80,000 रुपये में बना रास्ता पैदल चलने मात्र से एक साल में टूटकर गूल में समाया। अधिकारी कैसे कैसे खेल करते हैं, यदि आपको इसका नमूना देखना है तो चखोटिया के चांदी खेत के खिरचौरा मंदिर के समीप आ जाइए। यहाँ 80,000 रुपये खर्च करके एक रास्ता बनाया गया था जो पैदल चलने मात्र से एक साल में टूटकर गूल में समा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस नहर को बनाने में अधिकारियों ने नियम कायदों को ताक में रख दिया और पैसों की आपस में बंडरबाद कर ली। स्थानीय लोग बताते हैं कि क्षेत्र पंचायत निधि से 80,000 रुपये स्वीकृत हुए थे, जिसमें सिंचाई गूल को पक्का करके और उसके ऊपर पटाल बिछाकर रास्ता बनाना प्रस्तावित था, लेकिन अधिकारियों ने पास के गधेरे से रेता लाकर और लोहे की सरिया की जगह बांस के टुकड़े व फटे पुराने सीमेंट के कट्टों का सपोर्ट देकर नाम मात्र के सीमेंट के मिश्रण से रास्ता बनाकर बाकी पैसों की बंडरबांट कर ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह रास्ता एक साल में ही टूटकर गूल में समा गया। दिव्यांग राजन कुमार बताते हैं कि रास्ते के टूटने की वजह से उन्हें बैसाखी से चल पाने और अपने दैनिक कार्य करने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। अरे विकलांग का रास्ता है ये, राजू ने कहा से मंजूरी करा के इसके रास्ते की तब जाके रास्ता बनवाया था, इसके लिए 80,000 रुपया मंजूर करा था। कोई सा भी काम हो बिना जाई के नक्शे का नहीं होता, क्या जाई का नक्शा यही होता है? जितने भी काम होते हैं जाई के नक्शे से होते हैं। देखना चाहिए था, इसमें थोड़े से पत्थर भी लगने चाहिए थे, थोड़ी सी ऊंची हो जाती, ऊंची होकर इसके अंदर तो पुराने कट्टे लगा रखे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा ये कट्टे कल को सड़ जाएंगे तो ये नहर बंद हो जाएगी है? और नहर बंद कर होके क्या होगा, सारा रास्ता उखाड़ना पड़ेगा। ये पटाल उखाड़ने की नहीं है, थोड़ा सा भी सब लगाने तो एकदम से टूट जा रही है।